आज हम आपको लेके चलते हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है। यहाँ इस मंदिर का संबंध सीधे रावण और रावण के पिता से है। बताया जाता है कि रावण ने और रावण के पिता ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी और उसके बाद ही शिव जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए थे। चलिए फिर दर्शन कराते हैं शिव जी के, तब तक हमारे साथ बनी रहिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले रे, तेरे डमरू पे सारी दुनिया डोले रे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले रे, तेरे डमरू पे सारी दुनिया डोले रे। छड़ी फूटी का किया तो सेवन अंग अंग बोले रे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले रे, भील लोक के स्वामी मेरी अर्ज को सुन लो रे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले रे। धूप के भोले की मस्ती में भूल जा सारे गम, होके मगन दोहराता जा जब तक है दम ए दम। बस चार दिनों की खातिर तू इस नस्वर जग में आया है, सपना ये तेरा जो दिखता सब मोह माया। केवल एक शिव ही सत्य है, बाकी सब यहाँ भ्रम। बम बम बोले। बताते हैं एक चरवाहे की गाय एक टीले पर चढ़कर रोजाना दूध दे दिया करती थी, वो भी अपने आप बिना किसी के फोर्स के या फिर बिना किसी के दूध दूने पर। तो पता चला कि वहाँ पर एक शिवलिंग है और तभी से उस शिवलिंग का उद्गम हुआ। महीने के हर सोमवार को और शिवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ रहती है कि बैठने या खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। तो अगर आप यहाँ पर गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कब जाने का प्लान कर रहे हैं, भगवान शिव आपको कब बुला रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो कभी खर्च ना हो पाए कुछ ऐसी चीज कमा ले तू, स्पीकर अमृत बाट तेरा भंडार न होगा कम। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। सांसों की वीणा पर गूंजे शिव शंभू की सरगम,